Hey everyone, welcome back to my channel. I'm your host Aman and watching Top Gear Extreme. तो कैसे मेरे TGX family? I hope सब बढ़िया ही होंगे. तो भाई ज्यादा आपका टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको सीधा बताता हूँ आज की वीडियो किसके ऊपर है. तो भाई आज की जो वीडियो है वो है टायर स्टिकरिंग के ऊपर. हाँ जी, टायर स्टिकरिंग के ऊपर काफी DMs आ रहे थे कि भाई टायर स्टिकरिंग कहाँ से कराए, कितने की है, क्या क्वालिटी है, क्या प्रोसेस है लगाने का, टायर की मतलब जो अपना टायर की वॉल है खराब होगी या नहीं होगी, तो जो भी कुछ है और कितने का हमको पड़ेगा, तो मैं आपको आज वीडियो में सब बताऊंगा भाई कि कहाँ से लगवा रहे. बेसिकली हमारे के करोल बाग में कौन सी शॉप से लगाए और कितने का लगाया और क्वालिटी का है, मतलब स्टिकर की क्वालिटी है कैसी, तो मेन होती है वो चीज. तो मैं आपको बताता हूँ इन 3, 2, 1. भाई आप देख ही सकते हो अपनी गाड़ी जैक में लग गई है एंड कहाँ से करा रहे हैं, हम तो टायर जोन से करा रहे हैं, टायर जोन इंडिया से. तो आप देख ही सकते हो कि अभी बिफोर हम आपको बिफोर का लुक दिखा देते हैं कि भाई अपना बिफोर का लुक क्या है विदाउट स्टिकरिंग है, कैसा लग रहा है अपना टायर अलॉय, एंड सीधा आपको दिखाएंगे अब कब जब लग जाएगा और फिटमेंट कैसे होगी वो साथ साथ दिखाते ही रहेंगे. बट जो फाइनल लुक आएगा वो लगने के बाद ही पता लगेगा कि भाई अपना टायर स्टिकरिंग के लगने के बाद टायर इनहेंस हुआ है या नहीं हुआ. यहाँ अपने टायर की क्लीनिंग चल रही है क्योंकि भाई लगाने से पहले क्लीनिंग करानी ज़रूरी है, अगर नहीं कराएं तो यार प्रॉब्लम रहती है कि अपना टायर स्टिकर छूट जाता है. तो इट्स बेटर कि पहले अपना टायर स्टिकर साफ़ करा लो, मतलब सारी टायर की वॉल अपने अच्छे से साफ़ करा लो, जितनी मिट्टी है सब हटा लो एंड उसके बाद अपना टायर स्टिकर लगेगा. तो भाई अपना जाम लगा रहे स्ट्रिप वाले लगा रहे हम आमने सामने, तो एक साइड का तो अभी भाई ने साफ़ कर दिया एंड अपना जो भी बेसिकली फेविक्विक से नहीं लग रहा, ये दूसरा इसका कुछ आता है केमिकल जिससे टायर स्टिकर लगता है, क्योंकि फेविक्विक से लगाओगे ना ताकि वॉल हार्ड हो जाएगी और क्रैक हो जाएगा उसका टायर. तो एक बार लगाते हैं फिटमेंट जब जैसे स्टार्ट होती है फिर देखते हैं यार. तो जो अपना टायर स्टिकरिंग लगने का प्रोसेस है भाई वो स्टार्ट हो गया, टायर स्टिकरिंग में जो भी उनकी केमिकल है वो लगा रहे हैं अपना एंड उसके बाद आप देख ही सकते होंगे कैसे लगा रहे हैं, आमने सामने लगेगा. तो एक बार उनको लगाने देते हैं फिर मिलते हैं. तो गाइस अपना एक टायर स्टिकर तो आप देख ही सकते होंगे लग गया है, अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ है, लगा दिया भाई ना एंड ऊपर लग रहा है. बट आपने एक चीज़ इस वीडियो में देखी होगी कि भाई बहुत से बंदे जो होते हैं अपना टायर जब लगाते हैं टायर स्टिकरिंग यहाँ पे वॉल है जो, तो भाई उसमें क्या करते हैं वो ना पूरा रेगमार लगे घिस देते हैं टायर को. तो जिससे क्या होता है दो चीज़ें, एक तो टायर की जो वारंटी है वो अवॉइड होती है और दूसरा क्या जो कि वॉल है ये प्रॉपर जो वॉल होती है वॉल क्या पतली हो जाती है जिससे पंचर होने के चांसेस होते हैं काफ़ी. तो इस भाई ने कोई हमारी वॉल नहीं किसी कुछ नहीं करा, कमी से लगा रहा है बहुत बढ़िया से. तो एक बार इसको कंप्लीट करने देते हैं, कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं आपको लुक कैसा है. भाई एक एक टायर करने से अच्छा हमने बोल दिया कि भाई अपना सारे टायर खोल लो और टायर खोलने के बाद अपना लगा दो सारा. तो भाई एक एक करके भाई चार मतलब यहाँ का तो लग ही गया, तीनों टायर खोल रहे, तीनों टायर खोल के अपना टायर स्टिकरिंग कराएंगे, उससे क्या रहेगा अपना जल्दी भी काम हो जाएगा और बढ़िया और बढ़िया काम हो जाएगा. जब अपना टायर हमने खुलवा ही दिया था तो हमने सोचा यार खुलवाते के साथ ही अपना ये डिस्क पैड कैलिपर और ड्रम पेंट भी करा लेते हैं. तो अपना रेड पेंट करवा रहे हैं बढ़िया से. एक बार आपको जूम करके दिखा दूँगी लग कैसा रहा भाई. अभी पूरी फिनिशिंग के बाद पता लगेगा कि भाई अपना लुक्स आई कैसे आ कैसे रही है. उस साइड का तो दोनों टायर हो गए अपना कि स्टिकरिंग भी लग गया और पेंट भी हो गया. यहाँ का अपना वही प्रोसेस होगा, सेम खोले जाएंगे निकाले जाएंगे फिर पेंट करे जाएंगे. तो ये बार बार दिखाते आप लोगों को बोर करने से अच्छा आपको सीधा दिखाता हूँ फाइनल लुक. तो गाइस अपना आप देख ही सकते हो टायर स्टिकरिंग का काम हो गया है कि अपने कैलिपर और ड्रम भी पेंट हो गया लाल कलर के और स्टिकरिंग आप देख सकते होगा आफ्टर रिजल्ट कैसा है कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि विदाउट स्टिकर लग कैसी रही थी अपने टायर स्टिकर का विदाउट एकदम प्लेन प्लेन सा टायर लग रहा था. अब इससे क्या रहता है एक फ़ायदा है कि आपका जो चलते हुए अलॉय थोड़ा बड़ा लगता है. तो और बात है गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं भाई, बाहर हो रही है बहुत कड़ी गर्मी. तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा टायर स्टिकरिंग लग कैसे रही है, मैंने विदाउट भी पहले दिखाया था एंड अब आफ्टर भी दिखाया है कैसी लग रही है. कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी लोग डिफॉल्टर या कुछ एक्स वाई ज़ेड लिखवा लेते हैं यार, उसमें क्या है ना मेंटेनेंस ज़्यादा है उस चीज़ की, क्योंकि बार बार वो निकलता है बार बार देखो और इतने मेंटेनेंस भाई सही बताऊँ नहीं हो पाती. बोलने की बात है कि भाई हो जाती है ईजिली हो जाती नहीं हो पाती, काफ़ी दिक्कत रहती है. और जो उसका रेट है तो भाई मैं पूरे करोल बाग में घूमा एंड उसके बाद सबसे सस्ता हमको यहाँ मिला है. शॉप का नाम है क्या नाम है? टायर जोन इंडिया. टायर जोन इंडिया, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा भाई का. एंड भाई हर कोई मांग रहा था 2500, 3500, 3000 तो और सेम नॉर्मल स्ट्रिप्स के. तो इन भाई ने कुल 1500 रुपये में कर दिया और काम बड़े साफ सुथरे से करा, जल्दी का काम नहीं करा भाई, पूरे 1-1.5 घंटा लगा हमको यहाँ पे. एंड भाई सही बताऊँ हालत ख़राब हो गई, वैसी तबीयत आजकल थोड़ी सी डाउन चल रही है और खड़े खड़े और हालत ख़राब हो गई. तो कमेंट में बताना आपको व्हील्स लगे कैसे, कि आपको पहले विदाउट स्टिकर अच्छे लगते हैं विद स्टिकरिंग अच्छे लग रहे हैं. तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.